हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल हैश टैग क्रिएटिव आरती पोरवाल दोस्तों मैं हूँ आरती और आज हम बात करेंगे सेकेंड मॉपअप राउंड की तो दोस्तों आपको बता दूँ सेकेंड राउंड के लिए जो फिजिकल काउंसलिंग होनी है उसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनकी काउंसलिंग कितने से कितने रैंक तक की किस डेट को होगी ये शेड्यूल अभी अभी जारी हुआ है तो पूरी नोट सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं दोस्तों बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की दोस्तों इसके पहले भी मैंने इसके सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं और आज फिर एक ऑफिशियल नोटिस आई है कंडक्ट ऑफ सेकेंड मॉपअप राउंड ऑफ़ अपग्रेडेशन अलॉटमेंट काउंसलिंग फिजिकल ऑफ़ बी एस सी नर्सिंग बी एस सी पैरा मेडिकल बी एस सी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ तो दोस्तों इसमें नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था वो मैं आपको बता चुकी हूँ आज एक नोटिस आया है ये उन्नीस जनवरी का लेटेस्ट है द सेकेंड राउंड ऑफ़ फिजिकल काउंसलिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू बी एस सी नर्सिंग बी एस सी पैरा मेडिकल बी एस सी टेक्नोलॉजी कोर्स शैल बी हेल्ड इन बी ओ पी ईफिस श्रीनगर जम्मू फ्रॉम बाइस जनवरी टू सेवन फरवरी फॉर फिलिंग अप ऑफ सीट्स रिसीव्ड एज शॉर्ट फॉल फ्रॉम द गवर्मेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज ऑफ यू टी एंड जे एंड के इंक्लूडिंग द सीट्स इफ एनी विच रिमेंड अनफिल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एज पर द शेड्यूल गिवेन एज अंडर दोस्तों स्टार्ट हुआ है सेकेंड राउंड फिजिकल काउंस काउंसलिंग का एलिजिबल कैंडिडेट के लिए ये जनवरी से स्टार्ट होकर सात फरवरी तक चलेगा तो इसमें जनवरी को काउंसलिंग होगी तीन सौ एक से लेकर छह सौ पंद्रह तक के रैंक की तेईस जनवरी को काउंसलिंग होगी छो सोलह से नौ सौ तीस चौबीस जनवरी को नौ सौ इकतीस से बारह सौ पचास पच्चीस जनवरी को ट्वेल्व फिफ्टी वन से फिफ्टीन सेवन सत्ताईस फिफ्टीन सेवेंटी सिक्स से नाइनटीन हंड्रेड तक के 28 जनवरी को ट्वेंटी जीरो वन से लेकर पच्चीस सौ तक तीस जनवरी को पच्चीस सौ एक से 2800 सौ तक एक फरवरी फिर uh, 2801 सौ एक से 3100 सौ दो फरवरी 3101 सौ एक से चौंतीस सौ तक तीन फरवरी थर्टी फोर हंड्रेड वन से लेकर थर्टी तक चार फरवरी 3701 से लेकर 4000 पाँच फरवरी फोर थाउजेंड वन से लेकर फोर थ्री फाइव थ्री तक छः फरवरी और फोर थ्री फाइव फोर से लेकर फाइव वन जीरो टू तक सात फरवरी को तो ये पूरा कैंडिडेट वाइज़ जो रैंक वाइज शेड्यूल निकाला गया है आपको इसी हिसाब से डेट वाइज जाना है काउंसलिंग के लिए The candidates desirous of participating in the counseling process shall report in the BOPEE office Srinagar Jammu for attendance registration on their respective date of counseling between 9:30 am to 10:30 am for being eligible to participate in the counseling as their own turn और रैंक फर्दर इट इज़ नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट दैट द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड टू रिड्यूस द कट ऑफ स्कोर फॉर एडमिशन टू एबो मैंसन कोर्सेज एज अंडर आपको बता दूँ कि इसमें कोर्स में कुछ कटौती भी की गई है और उस कटौती को देखते हुए आपको मालूम है जैसे कि जितनी भी रिजर्व कैटागरी हैं सब में ओपन मेरिट जो है 30 मार्क्स और ऑल रिजर्व कैटागरी में 25 मार्क्स ठीक है तो ये आपकी कटौती करी यानी कट ऑफ थोड़ा सा कम कर दिया गया तो आपके लिए अब एडमिशन लेना और भी आसान हो गया है नोट निकाले गए इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा द कैंडिडेट्स हु हैव बिन अलॉटेड द सीट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट काउंसलिंग बट फेल्ड टू जॉइन अगेंस्ट द अलॉटेड सीट कॉलेज शैल नॉट बी एलिजिबल अगर आपको सीट मिल गई थी और आपने ज्वाइन नहीं किया था तो आप एलिजिबल नहीं हो इन दिस राउंड में और अपग्रेडेशन काउंसलिंग में भी द कैंडिडेट हु हैव ज्वाइन द कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड विश टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग शुड देयर फोर टेक अ डिसीजन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सेकेंड राउंड आफ्टर कंसिडरेशन एंड दे मे लूज द टू सीट अलॉटेड टू देम ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड एंड सच सीट शैल बिकम पार्ट ऑफ द सीट मैट्रिक्स इमीडिएटली आफ्टर ही सी फिल्स अप द फ्रेश फ्रॉम ड्यूरिंग द सेकंड टू पार्टिसिपेट इन द अपग्रेडेशन राउंड अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली है और तब भी सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो पहली शर्त यह रहेगी कि आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट है वो कैंसिल हो जाएगी वो सीट वैकेंट मैट्रिक्स बन जाएगा वो किसी अगले को मिल जाएगी और आपको सेकेंड राउंड में जो सीट मिलेगी वो आपको लेनी पड़ेगी और आपको अपग्रेडेशन के लिए फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा फ्रेश आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा द कैंडिडेट हु पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बट कुड नॉट गेट टू सीट शैल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था कोई सीट ना मिली हो वो इस राउंड में पार्टिसपेट कर सकते हैं द कैंडिडेट्स एलिजिबल डिजीरियस टू पार्टिसिपेट इन द अपग्रेडेशन अलॉटमेंट राउंड शैल बी रिक्वायर टू इंडिकेट द फ्रेश प्रेफरेंस फॉर द सीट्स टू बी फिल्ड अप ड्यूरिंग द से राउंड ऑफ काउंसलिंग ठीक है जिन कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं और अपग्रेडेशन में अलॉटमेंट कराना चाहते हैं फिर से सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं द सीट लेफ्ट आउट बाय द ओ एम कैंडिडेट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड शैल बी अलॉटेड टू ओ एम कैंडिडेट एंड दोज लेफ्ट बाय द कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी अलॉटेड टू द अवेलेबल कैटेगरी ओनली ड्यूरिंग दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग स्ट्रिक्टली एज पर रूल्स ठीक है अब इसके बाद दर अदर टर्म्स क्या है कंडीशन शेल रिमेन सेम एज़ मैंशन इन द इंफॉर्मेशन ब्राउचर नोटिफिकेशन नोटिसज़ इश्यूड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम आप क्या उसकी जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं टाइम टू टाइम आपको नोटिस मिल जाएंगी द डे डेट वाइज शीट मैट्रिक्स शैल बी अपलोडेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड ऑन डेली बेसिस डेली बेसिस पे आपको जैसे जैसे आपकी ये काउंसलिंग होगी जो इतने दिन तक चलेगी तो जो सीट मैट्रिक्स डेट वाइज बनेगा वो आपको रिलीज़ कर कर दिया जाएगा डे बाई डे तो दोस्तों पहले तो आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा तीन एलिजिबिलिटी दी है कि आप एलिजिबल कैसे होंगे अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल गई है आपने छोड़ दी थी तो आप सेकंड राउंड में नहीं ले सकते अगर फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन कराया था आपको कोई सीट नहीं मिली थी तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जिन्होंने अपग्रेडेशन में सीट डाली थी वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन फिर उनकी जो पहली सीट होगी जो फर्स्ट राउंड में मिली थी वो हट जाएगी वो किसी और को मिल जाएगी और सेकंड राउंड में जो सीट मिलेगी वो उनको लेनी पड़ेगी तो इस तरह से कुछ नियम है वो आपको पूरे फॉलो करने पड़ेंगे तो ये पूरी न्यूज़ थी जम्मू एंड कश्मीर की शेड्यूल निकाला गया है सेकेंड मोपअप राउंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए अलॉटमेंट काउंसलिंग के लिए और ये जितने दिन काउंसलिंग चलेगी इसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है डे बाय डे आता जाएगा सीट मैट्रिक्स का भी तो अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा थैंक यू